बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पैन मैंने चढ़ा दी है, चूल्हा ऑन कर दिया है बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए। ये सूजी हम लेंगे, ये देखिए ये सूजी, बहुत कम सूजी हमने लेनी है। ये वाली एक गिलास, ये देखें आबे जमजम के लिए, ये छोटी सी एक कप्पी होती है, ये सूजी की मैं ले रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने ये साबुत इलायची ऐसे मुंह बंद करके डाल दी, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे इलायची वगैरह मुंह से निकाल देते हैं। तो ये सूजी बहुत कम मैंने लेनी है, ये देखिए ये छोटी सी कप्पी है, ये सूजी हो गई। ये ड्राई फ्रूट मैंने बिल्कुल बारीक बारीक भी पीस लिए, बच्चे और बुज़ुर्ग नहीं खा सकते। पिस्ता, बादाम, अखरोट और खीखाश। ये मक्खन है, मक्खन डालूंगी फ्रेश घर का निकला हुआ। ये चीनी, अच्छा आधा कप, और ये साथ पानी बॉयल हो रहा है, ये देखिए। तो अब हम इसको सेट करते हैं, कि शुरू करते हैं। डाल गई इसकी, और ये एक, ये देखो एक ही कटोरी बस डाल सूजी की, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हमने पानी से पतला पतला, जैसा कि बता रही हूँ, इसको सूप कह लें, सूजी का सूप या जो भी। ये ड्राई फ्रूट मैं इसी के साथ पिसे हुए शामिल कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कट्ठी सूजी पाव, डेढ़ पाव, आधा किलो भून के, कभी टाइम नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं या बुज़ुर्गों के लिए सही, इसको भून के रख लें किसी जार, टिफ़न में, किसी चीज़ में, फिर थोड़ी सी निकाल ली दो चम्मच, और इसमें पानी ज़्यादा शामिल करना होता है। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, आप कुछ बच्चे रोटी वगैरह नहीं खा सकते, बुज़ुर्ग नहीं खा सकते, तो ताज़ा फ्रेश भी बनाना चाहें तो फौरन। इस पे कौन सी देर लगती है, बस इसको सूजी को थोड़ा सा ही भूनना है, और पानी बॉयल हो रहा है हमारा, मैंने वो शामिल कर देना है। तो जब पानी आप शामिल करें, हाथों का ख़ास कर बचाना होता है, इसमें से जो भाप सी निकलती है पानी डालने से सूजी में, तो वो बहुत ख़तरनाक होती है, हाथ जल सकते हैं। तो नए सीखने वालों के लिए, या चलें कभी कभार तजर्बेकार इंसान से भी ये गलतियां हो जाती हैं। तो ये जैसे बनाए इसके, ये मक्खन में बहुत मज़े की इसकी खुशबू, सूजी वगैरह हलवे, जैसे कि मैं पहले बताती हूँ कि देसी घी में ही हलवे अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास मक्खन भी था, देसी घी भी, लेकिन मुझे मक्खन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सूजी की जैसे भुनाई अब हो रही है, ये साथ ही मैंने चीनी आधा कप, ये देखिए, क्योंकि हम थोड़ा सा बना रहे हैं, मैंने कहा वीडियो शेयर कर दूं। कुछ लोग इसी को ये सूखा भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग और बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सिर्फ हमने अपने आप नहीं देखना कि हमें ये चीज़ पसंद है, बुज़ुर्गों के दांत वगैरह नहीं होते, तो कभी नरम नरम ग़ज़ाएँ, ज़रूर ब्रेड वगैरह, ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रेड ही उनको दें, ये खालस अच्छी खुराक, डबल रोटियां, ब्रेड, पुराने लोग अभी भी उस चीज़ को इतना नहीं पसंद करते। अच्छा, ज़्यादा भूनने से इसका कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। और मक्खन की आपको मैं खुशबू बयान नहीं कर सकती। अब ये देखें जो मैं बता रही हूँ कि हाथों का ख्याल करना है, ये
ये खासकर हाथ चीज से बचा कर। अच्छा, ये बिल्कुल पतला पतला सा, जैसे मैं बता रही हूँ आप सूप कह रहे हैं, पाना बोल रहे हैं, ये बिल्कुल पतला पतला सा बनाना होते। बस ये जैसे ये हल होती है तो मैं इसको, इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट या कोई चीज़ नहीं ये जाती, ये सिंपल सादा सादा ही सा ही मज़े का लगता है। और इसको सादा ही रहने दें, ये नहीं कि इसमें आप ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दें, क्योंकि फिर बच्चे बुज़ुर्ग जैसे मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने पीस के डाल दिया कि वो नहीं खा सकते। बस ये 5 मिनट इसको मैंने पकाना है और फिर आपके साथ डिश आउट करते हैं। जी नाजरीन, ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। इसको इतना ही पतला हमने रखना है, ये जैसे ठंडा होगा इसने और थिक हो जाना है। इसको हम डालेंगे इस तरह, ये जैसे चाय या सूप पीते हैं इस तरीके से आपने पीना है, बुज़ुर्गों को बच्चों को। मैंने भी अपनी ये वालदा के लिए बनाया है, तो सख्त चीज़ वो नहीं खा सकती, तो मैं उनके लिए कभी साबूदाना कभी कोई नरम खिचड़ी, बिल्कुल नरम वाली। अच्छा, और बीपी के जो मरीज़ हैं वो ये एहतियात करेंगे कि जैसे मैंने इसमें अब ऊपर एक में मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी घी, ये 1 कप में मैं देसी घी ऊपर डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर, लेकिन जिनका बीपी हाई होते हैं और दिल के मरीज खासकर, वो ये चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो इतनी चिकनी, ये तंदुरुस्त और जो ठीक लोग हों ये उनके लिए, लेकिन ये इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और बहुत मज़े का लगता है। और यही अमल ये देसी घी वाला, आप नीम गर्म दूध में वो ही, लेकिन बीपी के मरीज़ों के लिए नहीं, आम नॉर्मल लोग लें, अब तो कोई लेता ही नहीं है। ये एक मैंने सादा रखा है और एक मैंने ये सूप की तरह आपने पीना है, चाय की तरह पीना है। कप्पो में कितना फ़र्क, इसमें देसी घी ऊपर डला हुआ है और ये सिंपल सादा है। आप भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।